दोस्तों हमारी टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे मल्टी टैलेंटेड अदाकाराएं हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर काफी शोहरत और नाम कमाया। ये अभिनेत्रियां न सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है, जिन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि रियल लाइफ में कई बच्चों की माँ भी है। लेकिन आप इन अभिनेत्रियों को काफी अच्छे से जानते हैं, क्या आप इन अभिनेत्रियों के रियल लाइफ बेटियों को जानते हैं जो खूबसूरती में अपनी मम्मी से भी बढ़कर है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको टीवी की कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों के रियल लाइफ डॉटर से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी इनकी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहना, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। नंबर 6, साधना सिंह। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री साधना सिंह ने अपनी पहली फिल्म नदिया के पार से काफी लोकप्रियता बटोरी। इस फिल्म के बाद इन्होंने छोटे पर्दे के कई शोज में काम किया, जिसमें फुलवा, किस देश में मेरा दिल और घर जमाई जैसे सीरियल शामिल है। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी की, तो इनके बेटे का नाम शीना शाहबादी है, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1986 को हुआ। ये भी प्रोफेशन में अपनी माँ की तरह अभिनेत्री है, जिन्होंने तेरे संग, बिंदास, प्यार तूने क्या किया, सोनी द नखरे जैसे फिल्मों में काम किया। आपको बता दें, शीना अपनी बेटी का हमेशा प्रोत्साहन करती है। नंबर 5, सुप्रिया पाठक। स्टार प्लस के लोकप्रिय शो खिचड़ी में हंसा पारेख का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री सुप्रिया पाठक ने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें रामलीला, विजेता, सरकार राज जैसी फिल्में शामिल है। अगर बात करें इनकी बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम सना कपूर है। ये अपनी माँ की तरह ही अभिनेत्री है, जिन्होंने शानदार फिल्म में शाहिद कपूर की बहन का किरदार निभाया था। इन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही काफी लोकप्रियता बटोर ली। आपको बता दें, इनकी बेटी खूबसूरती के मामले में कई अभिनेत्रियों को टक्कर देती है। नंबर 4, तनाज ईरानी। टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री तनाज ईरानी ने फिल्मों और सीरियल में खूब नाम कमाया। ये इतनी टैलेंटेड अभिनेत्री है कि आज भी सिनेमा जगत में टिकी हुई है। अगर बात करें इनकी बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम जियाने ईरानी है, जो कि फिलहाल अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग की स्टडी भी कर रही है, क्योंकि इनकी मम्मी का मानना है कि ये इन्हीं की तरह बॉलीवुड में खूब नाम और शोहरत कमाए। नंबर 3, नीना गुप्ता। सिनेमा जगत की टैलेंटेड अभिनेत्री नीना गुप्ता ने छोटे पर्दे के कई शोज में काम किया, जिसमें सात फेरे, कितनी मोहब्बत है, लेडी स्पेशल जैसे सीरियल शामिल है। आपको बता दें, नीना आज 60 साल की हो गई हैं, फिर भी बॉलीवुड में काम करती हुई दिख जाती हैं। ये कबीर खान की फिल्म 83 में नजर आएंगी। लेकिन अगर बात करेंगे बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम मसाबा गुप्ता है, जो कि दिखने में बड़ी ब्यूटीफुल है। आपको बता दें, इनकी बेटी फैशन डिजाइनर है, जिन्होंने बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज के ड्रेसेस को डिजाइन किया है। नंबर 2, पूजा बेदी। टीवी इंडस्ट्री की गॉर्जियस अभिनेत्री पूजा बेदी न सिर्फ बॉलीवुड की बल्कि टीवी की जानी मानी अभिनेत्री है, जिन्होंने बिग बॉस, झलक दिखला जा, नच बलिए जैसे कई रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया। भले ही आज ये टीवी से दूर हो, लेकिन दर्शक इनके अच्छे प्रदर्शन के लिए इन्हें याद करते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम आलिया इब्राहिम है, जिनका जन्म 28 नवंबर 1997 को हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनकी बेटी एक अभिनेत्री है, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही सैफ अली खान और तब्बू के साथ जवानी जाने मन फिल्म में काम किया। नंबर 1, श्वेता तिवारी। बिग बॉस सीजन 4 का खिताब जीतकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने अपने सीरियल करियर में काफी लोकप्रियता बटोरी। आज इन्हें इंडस्ट्री में कसौटी जिंदगी की सीरियल में प्रेरणा का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर बात करें इनकी बेटी की, तो इनके बेटे का नाम पलक चौधरी है, जो कि प्रोफेशन से एक अभिनेत्री तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा वायरल रहती है। आपको बता दें, इनकी बेटी दिखने में बड़ी क्यूट है और खूबसूरत भी, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेत्रियों में किन माँ बेटी की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में बता दो। और टीवी से जुड़ी और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।